अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बना रही हूँ ये प्यारा सा बहुत ही खूबसूरत सा स्क्वायर शेप में केक है, और इसकी जो कोटेशन है, हैप्पी बर्थडे तो नहीं है लेकिन जो ऊपर कोटेशन लिखवाई गई है वो बहुत अच्छी थी कि आई एम जस्ट 12 इयर्स ओल्ड विद 12 ईयर एक्सपीरियंस। तो मुझे ये कोटेशन बड़ी प्यारी लगी ना, तो मैंने कस्टमर से कहा भी था कि भई आपकी वाकई में यही एज है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपकी ये एज है ना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरी यही एज है, अब सबको थोड़ी बतानी है कि मेरी क्या एज है ना। तो खैर इनके साथ मेरी अच्छी खासी दुआ सलाम है, और ये मेरे माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी और रेगुलर कस्टमर हैं, तो इसलिए मैं अपने जो कस्टमर जो मेरे पुराने कस्टमर हैं उनके साथ मैं अच्छी खासी दुआ सलाम है, तो वो हम थोड़ा सा ना फ्रीली बात कर लेते हैं। कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि बस हमने ऑर्डर लेने हैं और ऑर्डर की हद तक की बात हो ना। तो और दूसरा ये कि ये मेरी कोलीग भी रह चुकी हैं, ये जिस कॉलेज में पढ़ा रही हैं उसी कॉलेज में मैंने भी कुछ अरसा जॉब की थी, और जब मैं वहाँ पे आई थी, जब मैंने इस कॉलेज को ज्वाइन किया था, तो उससे पहले मैं स्कूल लेवल पे पढ़ा रही थी। तो छोटे बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है, जबकि बड़े बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। उसमें ये है कि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए फिर आप बड़े बच्चों को भी हैंडल कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके मुझे एडजस्टमेंट करने में मुझे बहुत मुश्किल हुई थी। तो इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी, बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, और अभी मैं उनके साथ चैट भी कर रही थी कि मैंने कहा जो आपने ये कोटेशन बताई है कि ये वाकई लिखनी है, क्योंकि आपकी तो ये एज नहीं है। तो कहती है नहीं नहीं मेरी यही एज है, आपको मैं कहाँ से बड़ी लग रही हूँ ना। तो खैर वही हम हंसी मजाक भी कर रहे थे, और मैंने कहा केक भी बना रही थी, और मैंने तो पूछ भी रही थी कि आपको एग्जैक्ट किस टाइम तक चाहिए। तो बस बहुत ही अच्छी मेरी ये कस्टमर हैं, और कोलीग भी ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी रही हैं। तो और ये मेरी जो कस्टमर बनी हैं, तो ये मेरी कोलीग बनने से भी पहले की कस्टमर थी, तो इसलिए भी ना थोड़ा ये है कि मुझे इनके साथ काम करने में प्रॉब्लम नहीं हुई, ये मुझे गाइड करती रही थी, तो मैं इनके साथ थोड़ा सा ना एडजस्ट जल्दी हो गई थी कि मैं इनको जानती थी। तो बस बातों में यहाँ पे मैंने केक की जो है ना क्रम कोटिंग कर ली, और अब मैं आपको बताऊँगी कि इसकी जो स्क्वायर शेप केक होता है ना, इसको नीट करने में थोड़ी सी क्रीम ज़्यादा जाएगी, क्योंकि जो इसके एजेस होते हैं वो बेचारे निकल आते हैं, हम जितनी भी क्रीम लगाएं कहीं ना कहीं से केक जो है ना वो हेलो हाई कर रहा होता है। तो जी बातें तो बहुत हो गई हैं, अब थोड़ा काम की तरफ भी हैं, यानी कि मेरे हर वीडियो में मकसद यही होता है कि आपको कोई ना कोई पॉइंट सिखा दूं बेकिंग के हवाले से, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बता दूं। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जो स्क्वायर केक होता है इसकी साइड को नीट करने में थोड़ी सी क्रीम जो है वो ज़्यादा जाती है, लेकिन परेशानी की बात नहीं है, जितनी भी हम एक्स्ट्रा क्रीम लगाएंगे स्मूथ होने के बाद जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम होगी ना वो स्क्रैपर की मदद से सारी की सारी ऊपर आ जाएगी और वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो बस स्क्रैपर के मदद से मैं इसको नीट कर रही हूँ, जहाँ जहाँ पे क्रीम की मुझे कमी लग रही थी वहाँ वहाँ पे मैंने ड्रॉपिंग कर दी है, और अब मैं इसके टॉप को भी अच्छी तरीके से स्मूथ कर लूँगी स्पैचुला नाइफ की मदद से ही। ठीक है, टॉप का तो कोई मसला नहीं बनता, टॉप तो जैसे ही जैसे तैसे करके बहुत ही प्यारा सा नीट सा बन जाता है, और राउंड शेप जो है वो स्क्वायर शेप की नस्बत जो है ना वो जल्दी इवन हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, और उसके एजेस भी बड़े शार्प और प्यारे से बनते हैं। लेकिन छोड़ना मैंने इस केक को भी नहीं है, स्क्वायर शेप केक को भी मैंने नहीं छोड़ना, इसको भी मैं इंशाल्लाह नीट करके ही रहूँगी, और अगर कुछ नीटनेस में कमी रह भी जाती है ना तो भी मुझे कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि मैंने इसकी लास्ट में ड्रिपिंग करनी थी चॉकलेट गनाश की, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि केक के एजेस जो हैं वो ज़रा शार्प से हों, वो थोड़े नीट से हों, ताकि केक की लुक में ना ज़रा चार चांद लग जाएँ। ठीक है, तो बस जितना मैं कर सकती थी और मैंने किया अपनी तरफ से, स्क्रैपर चला चला के इसके एजेस को नीट किया, ऊपर से भी मैं नीट करती रही। ठीक है, अब देखिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितने भी इसके एजेस में कमी रह गई है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ना एक नोज़ल लिया, ये 1 mm की कॉपी है, और मुझे ये नोज़ल पर्सनली इसलिए पसंद है कि इसके जो कर्व्स बनते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो ये देखिए ये जो प्लांट बनते हैं ये 1 mm की निस्बत मुझे तो बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि इसमें जो इसके कर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट बड़े ही प्यारे से और खिले खिले से बनते हैं। उसी नोज़ल की मदद से मैंने नीचे भी बॉर्डर बना दिया है, ताकि जो कमी रह गई है और फिनिशिंग में जो कमी रह गई है वो कंप्लीट हो जाए। और बस यहाँ पे मैंने गनाश की मदद से इसकी ड्रिपिंग कर ली थी,
ठीक है। और केक जो है वो अच्छा सा ठंडा सा होना चाहिए, चिल्ड होना चाहिए, तभी ये जो ड्रिपिंग है वहीं पे रुक जाती है, ठीक है। फ्रेश फ्रेश के क्रीम पर लगाएंगे तो ड्रिपिंग जो है वो बहती रहेगी, इसलिए केक का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक दो घंटा आप इसको रख लें, फिर लास्ट मोमेंट पे आप बेशक ड्रिपिंग करते। तो ये मैंने लास्ट मोमेंट पे ही ड्रिपिंग की थी और ये केक माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा सा नीट सा बन गया था। कस्टमर को और उनके जितने भी गेस्ट आए थे सबको बहुत पसंद आया, और मेरी यही कोशिश होती है कि कस्टमर उनके गेस्ट को ज़रूर पसंद आए, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें भी बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा रिव्यू भी दिया था इन्होंने। तो आपको ये केक कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।